नेक्स्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में से दो क्वेश्चन तक आ जाते हैं और वो टॉपिक है आपका सिलेंडर, दैट मींस ठोस, बेलन। बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिलेंडर भी इंटरेस्टिंग है, कोन और स्फीयर, तीनों टॉपिक्स में आपको बहुत अच्छे अच्छे कराऊंगा और मैं 50 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा तीनों ही टॉपिक्स पे, जिनसे आपको बहुत बेनिफिट होगा। सारे टाइप्स के सवाल मैं इसमें कवर करूंगा और प्रीवियस क्वेश्चन और सेल्फ क्रिएटेड न्यू क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है भाई। चलिए तो शुरू करेंगे सिलेंडर से। सिलेंडर के बारे में वैसे तो सबको पता है, पर मैं आपको जो चीजें बताना चाहता हूं उससे आपकी चीजें कंपाइल हो जाएंगी और आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। ओके, सिलेंडर है क्या एक्चुअली में? सिलेंडर है एक टाइप का प्रिज्म, सिलेंडर इज ए प्रिज्म। अब प्रिज्म का क्या मतलब होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप कोई भी 2D फिगर ले लीजिए, 2D फिगर चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो, ऐसी दो कॉन्ग्रुएंट 2D फिगर्स ले लीजिए और उनके करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस या उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को मिला दीजिए, उनके संगत बिंदुओं को मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा, प्रिज्म बन जाएगा। तो सिलेंडर भी एक टाइप का क्या है, एक प्रिज्म ही मान सकते हैं। और उस सिलेंडर में या उस प्रिज्म के दोनों बेस क्या है, सर्कल है। तो यदि मैं एक ऐसी 2D फिगर लूं जिस ये सर्कल और ये सर्कल दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिए और उनके करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को मैं ऐसे मिला दूं, तो क्या बन जाएगा आपका, एक सिलेंडर बन जाएगा, गोला को बेलन बन जाएगा, ठीक है। सो मैं आपके सामने बनाता हूं एक सिलेंडर, ठीक है। सभी को पता है कि अगर इस तरीके से देख रहे हैं कि ये आपका बेस, ये भी एक सर्कल है और ये आपका ये जो टॉप है ये भी एक सर्कल है, ठीक है। सो मैंने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिए जिनकी रेडियस बराबर है और मैंने उनको इस तरीके से मिला दिया उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को, तो क्या बन गया, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर लंबवृत्तीय बेलन। क्या है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है लंबवृत्तीय बेलन, क्लियर। जैसे कि मैं आपके लिए लेके आया हूं ये रहा, ठीक है, ये घी का डब्बा था, मैंने पेपर लगा दिया वरना ब्रांडिंग हो जाती। चलिए सो ये है आपका एक सिलेंडर, ठीक है ना। सो आपको दिखाई दे रहा है इट्स अ सिलेंडर, ठीक है भाई, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की किसी भी भाई को, तो ये है और इसका ये वाला बेस देख सकते हैं सर्कल है, सेम टू सेम आप ये वाला बेस देख सकते हैं सर्कल है, क्लियर है भाई। आप देखिए, अब सिलेंडर का बेस एक सर्कल है तो इसको मैं कहता हूं सिलेंडर की बेस रेडियस स्मॉल r, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, ये होती है सिलेंडर की बेस रेडियस स्मॉल r। ये जो सर्कल बन रहा है सिलेंडर के बेस में, इसकी त्रिज्या है ये स्मॉल r। इस सिलेंडर के ये जो दोनों बेसिस हैं, जो दोनों सर्कुलर बेसिस हैं, इनके बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, ये होती है सिलेंडर की हाइट, दैट मींस ये हो जाएगी आपकी सिलेंडर की हाइट यानी कि स्मॉल h, ये हो जाएगी आपकी सिलेंडर की हाइट यानी कि स्मॉल h, क्लियर। कोई समस्या इसमें? चले अब सबसे पहले देखते हैं इसके फॉर्मुलेस के बारे में, इसका CSA, इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में बात करूं कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा या इसका आयतन कितना होगा, सही है, सिलेंडर का वॉल्यूम या फिर आयतन कितना होगा, तो मैंने अभी अभी बताया कि सिलेंडर क्या है, एक टाइप का प्रिज्म है और किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने का जो तरीका है वो है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। सिलेंडर का बेस जो है सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस आर है, तो सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि सिलेंडर के बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यही। और सिलेंडर की हाइट क्या है, एच, सिलेंडर की हाइट क्या है, एच, तो एरिया बेस इनटू हाइट यानी कि पाई आर स्क्वायर इनटू एच, ये हो जाएगा आपके सिलेंडर के वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, आयतन। मतलब अगर सपोज मैं इसमें पानी भरता चला जाऊं, जैसे आपके पास कोई सिलेंडर इसकी रेडियस आर है, हाइट एच है, इसमें कोई मैं लिक्विड फिल करूं तो इसमें इतने सेंटीमीटर क्यूब या इतने मीटर क्यूब या इतने लीटर लिक्विड आ जाएगा, वही होता है वॉल्यूम, धारिता, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, ठीक। चलिए इसके बाद यदि हम इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की बात करें, CSA, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र प्रस्थ का क्षेत्रफल, तो पहली बात तो कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी 3D फिगर के आपको टॉप और ये जो बॉटम है इनके एरिया को इंक्लूड नहीं करना है, फ्रंट से ऐसे सामने से देखोगे तो जो भी दिखाई देगा वो या तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। जैसे इस सिलेंडर को ध्यान से देखिए आप, यहां पे जो सामने से आपको जो व्हाइट व्हाइट पेपर जो मैंने लगाया, यही क्या है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, मैंने नाम भी ले दिया जिससे कि आपको ये पहचान रहे, ठीक है। तो ये है आपके सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, जो व्हाइट व्हाइट पेपरिंग मैंने की है, जिसको मैं अभी रोल कर रहा हूं, ठीक है, कोई समस्या इसमें? तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का तरीका है 2πRh, 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 क्लियर। मैंने आपको बता रखा है कि सिलेंडर एक टाइप का प्रिज्म है, किसी भी प्रिज्म का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी भी प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। सिलेंडर का जो बेस वो सर्कल है, सर्कल की रेडियस आर है, तो बेस का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, 2πR, और इसको एच से मल्टीप्लाई कर दिए तो सिलेंडर का क्या कर्व सर्फेस एरिया आ गया, क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी को? अब मैं इसको आपको दिखा भी सकता हूं कि ये चीज आई कहां से है। अच्छा, जैसे मैंने आपके सामने सिलेंडर बनाया, दिख रहा है आपको ये, इट्स लाइक ए सिलेंडर, देखिए पूरा फील लेके मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा सिलेंडर की। जैसे इट्स ए सिलेंडर, दिखाई दे रहा है आपको ये सिलेंडर, सिलेंडर का बेस का एक सर्कल है, सिलेंडर की हाइट एच है, सभी को पता है। अच्छा, ये सिलेंडर का बेस एक सर्कल है, तो सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होगी, सर्कल की सर्कमफेरेंस होगी 2πR। अगर सिलेंडर के बेस जो सर्कल है उसकी रेडियस आर है, तो सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 2πR। और सभी को दिखा कि ये जो व्हाइट व्हाइट पेपर है, यही तो सर्कम, यही तो कर्व सर्फेस एरिया सिलेंडर का, तो ये मुझे पता है कि सिलेंडर के बेस की जो सर्कमफेरेंस है वो कितनी है, 2πR। यदि मैं सिलेंडर को इस तरीके से ओपन कर दूं, इस तरीके से खोल दूं, तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल एक आयत बन जाएगा। आपका सिलेंडर इस तरीके से था, यही था सिलेंडर, इसका बेस एक सर्कल है, सर्कमफेरेंस है 2πR। यदि मैं इसको खोल दूं इस तरीके से, तो ऐसे खुल जाएगा, क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो ये जो आपको फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है, ये जो है, यही तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया ही आपके सिलेंडर का बेलन का कर्व सरफेस एरिया। इस रेक्टेंगल की जो लंबाई होगी, मुझे बताना
जब मैंने सिलेंडर को इस तरीके से खोला तो सिलेंडर का जो ये बेस सर्कल था इसका पेरीमीटर, इसका परिमाप ही सिलेंडर की लंबाई बन गया, यानी कि एल किसके बराबर हो गया 2πr। जब मैंने इसको ऐसे खोला तो आपका क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। सिलेंडर की लेंथ किसके बराबर है 2πr, और सिलेंडर की चौड़ाई है वो सिलेंडर की हाइट के बराबर बनी है, सॉरी इस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है ये सिलेंडर की हाइट के बराबर बनी। दैट मींस रेक्टेंगल की चौड़ाई बी किसके, एच के। तो रेक्टेंगल का आप एरिया निकालोगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगा 2πr into h, 2πr into h। क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की, ये आसान है, ठीक। चलिए 2πr into h। इसके बाद अगर मैं इस सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सिलेंडर की यदि मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो हम टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, किसी भी 3D फिगर में जितने भी सरफेसेस हैं सबके एरिया को ऐड कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो सिलेंडर है, ये क्या वाइट वाइट पेपर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ये क्या सिलेंडर का ऊपर बेस, ये क्या सिलेंडर का नीचे बेस। तो यदि मैं बेसिस के एरिया को भी इंक्लूड कर लूं तो पूरे सिलेंडर का टोटल सर्फेस एरिया काउंट हो जाएगा, यानी कि सिलेंडर का जो टोटल सर्फेस एरिया होता है वो क्या होता है, कर्व सर्फेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया उसे कर्व सरफेस एरिया में जो दोनों बेसिस हैं उनके एरिया को ऐड और कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया कितना है सिलेंडर का 2πr h, और दोनों बेसिस का जो एरिया हो जाएगा सर्कल का, सॉरी सिलेंडर का बेसिक सर्कल है, सर्कल की रेडियस है r, तो एक बेस का एरिया हो जाएगा πr2। हमारे पास दो बेस है तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब देखिए यहां से, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया मैं दोनों से 2πr कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं 2πr कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में कितना बचेगा यहां से h, और यहां से कितना बचेगा आपका r। तो 2πr into h plus r, ये है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2πr into h plus r। क्लियर, 2πr into h plus r। कोई डाउट इसमें, यहां तक की सारी चीजें बहुत ही आसान है, सभी को आती भी होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, आपको ध्यान से समझना है। चलिए अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का मतलब होता है खोखला बेलन। होलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है आपका, खोखला बेलन। तो होलो सिलेंडर से मतलब क्या, होलो सिलेंडर मतलब वो सॉलिड नहीं है, होलो सिलेंडर मतलब वो अंदर से खोखला, वो कंप्लीटली सॉलिड नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो होलो सिलेंडर सभी को पता भी है कैसा होता है। तो अगर मैं आपके सामने एक सिलेंडर को जिस तरीके से बनाने की कोशिश करूं, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। So, ये है आपका एक होलो सिलेंडर, और इसमें यदि मैं बात करूं तो इसका सिर्फ ये वाला पार्ट ही आपका सॉलिड है, ये जो है ग्रीन ग्रीन पोर्शन जो मैंने किया है इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन ही सॉलिड है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका होलो सिलेंडर या फिर खोखला बेलन, इसका ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है ये ही आपका सॉलिड है, ठीक है। सो दिस इज होलो सिलेंडर, क्लियर, कोई डाउट इसमें। बाकी अंदर से क्या है, ये खोखला है, वहां पे हम हाथ घुमा सकते हैं इस तरीके से, कोई समस्या इसमें। चलिए सो होलो सिलेंडर में यदि मैं ध्यान से देखूं तो आपको दो सिलेंडर दिखाई देंगे, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, ठीक है। सो ये जो आपको अंदर की तरफ जो सिलेंडर दिखाई देता है इसको रेडियस से सपोज स्मॉल r, इसकी रेडियस से सपोज आपकी स्मॉल r, इसकी रेडियस कितनी आपकी स्मॉल r, और जो बाहर की तरफ आपको सिलेंडर दिखाई देता है इसकी रेडियस से सपोज आपकी कैपिटल r, क्लियर। सो इस स्मॉल r को बोलते हैं सिलेंडर की, होलो सिलेंडर की इंटरनल रेडियस, होलो सिलेंडर की इंटरनल रेडियस, ठीक है, इंटरनल रेडियस स्मॉल r, और जो कैपिटल r है जो बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस है इसको बोलते हैं हम सिलेंडर की एक्सटर्नल रेडियस, यानी कि कैपिटल r, सिलेंडर की एक्सटर्नल रेडियस यानी कि कैपिटल r, क्लियर है, एक सेकेंड, ठीक। अब इन दोनों सिलेंडर की जो हाइट होगी वो क्या होगी आपकी, सेम होगी, दोनों सिलेंडर की हाइट h तो वो बराबर ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, क्लियर। चलिए अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, सिलेंडर की एक्सिस क्या होती है, कभी कभी वर्ड यूज होता है सिलेंडर की एक्सिस या बेलन की अक्ष। अक्ष का मतलब क्या होता है कि ये जो सिलेंडर है आपके सिलेंडर की जो दोनों सर्कुलर बेसिस है, जब सर्कुलर बेसिस के सेंटर को मिलाती हुई एक लाइन खींच दो इस तरीके से, सिलेंडर के सर्कुलर बेसिस को मिलाती हुई एक लाइन खींच दो इस तरीके से, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये होती है सिलेंडर की एक्सिस। अगर आप सिलेंडर के दोनों सर्कुलर बेसिस से जाती हुई एक लाइन खींच दो तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की अक्ष, सिलेंडर की दोनों सर्कुलर बेसिस के सेंटर से पास करती हुई लाइन क्या हो जाएगी आपकी, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इंटरनल रेडियस आंतरिक त्रिज्या, एक्सटर्नल रेडियस बाहरी त्रिज्या, सिलेंडर की ऊंचाई आपको समझ में आया। तो अगर मुझे इस होलो सिलेंडर का निकालना हो वॉल्यूम, अगर मुझे इस होलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर मैं बाहर वाले बिगर सर्कल, बिगर सिलेंडर के वॉल्यूम में से, बड़े बेलन के आयतन में से अंदर वाले जो छोटे बेलन का आयतन ही घटा दूं तो आपका जो सॉलिड पार्ट है उसी का वॉल्यूम आ जाएगा। भाई मुझे वॉल्यूम निकालना किसका, जो सॉलिड मेटल है, सॉलिड मेटल का मुझे वॉल्यूम निकालना है, सॉलिड मेटल का वॉल्यूम। तो कैसे निकालोगे, बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का आयतन क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर और हाइट एच है, तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच।
सिंपल सी, अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर और हाइट एच है, तो अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच, तो ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम पाई, हम यहां से एच कॉमा ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच। क्लियर, कोई समस्या? तो ये हो जाएगा आपके होलो सिलेंडर का वॉल्यूम। कभी कभी इसको एक्सपेंड करने की भी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हो जाएगा आपके होलो सिलेंडर का वॉल्यूम इस तरीके से। क्लियर, कोई समस्या किसी प्रकार की इसमें किसी भी भाई को? ठीक है, चलिए अब समझते रहना। अगर मैं इस होलो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, सीएसए की बात करूं, अगर मैं इस होलो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की बात करूं या फिर सीएसए की बात करूं, ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करो? कर्व सरफेस एरिया मतलब आपको कर्व वाला पार्ट ही लेना है, कर्व वाला पार्ट ही लेना है, ठीक है। फ्रंट व्यू से आप देखोगे तो जो कर्व दिखाई देगा वही लेना, पर यहां पर आपको इस केस में आपको होलो सिलेंडर के केस में दो कर्व पार्ट दिखाई देंगे, एक तो बाहर वाले सिलेंडर का कर्व पार्ट, बाहर वाले सिलेंडर का ये जो हो जाएगा कर्व, और एक अंदर से जब आप देखोगे तो अंदर वाले सिलेंडर का भी कर्व सरफेस दिखाई देगा, अंदर वाले सिलेंडर का भी कर्व सरफेस दिखाई देगा। ध्यान समझिए, उस पर नाक बना रहा हूं, एक तो बाहर वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिखाई देगा ये, और ये अंदर वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा आपके होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। आपको एक्सटर्नल सिलेंडर और इंटरनल सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को जोड़ना पड़ेगा। बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर, हाइट एच है, तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्मॉल एच, और अंदर वाले सिलेंडर की जो है यहां पे रेडियस स्मॉल आर है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया होलो सिलेंडर का 2 पाई एच कॉमन आ जाएगा, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बचेगा ब्रैकेट में इनटू एच, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू एच। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू एच, ये हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए अगर मैं स्पेस कम पड़ गया, अगर मैं इस होलो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की बात करूं कि होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर है, तो टोटल सर्फेस एरिया में सभी को पता है कि कर्व सर्फेस एरिया प्लस सिलेंडर के जो है दो बेसिस जो है उनका एरिया एड होना है, एरिया ऑफ टू बेसिस, एरिया ऑफ टू बेसिस। क्लियर, एरिया ऑफ टू बेसिस, कोई समस्या किसी प्रकार की? चलिए, लेकिन होलो सिलेंडर के केस में बेस को यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये जो मिडिल इंटरनल जो सिलेंडर है तो खोखला है, तो अगर मैं बेस को ध्यान से देखूं, मैं क्रॉस सेक्शन देखूं, अभी मैं समझाऊंगा, अगर मैं आपको एक बेस दिखाना चाहूं सिलेंडर का तो ऐसे दिखाई देगा सर्कल, और उसके अंदर फिर से सर्कल दिखाई देगा, यहां पे अंदर वाले देखो दोनों कंसेंट्रिक सर्कल होंगे, संकेंद्रीय वृत्त, दोनों संकेंद्रीय वृत्त होंगे, अंदर वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर और बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी होगी कैपिटल आर, और ये वाला जो पार्ट है ये एक सरफेस होगा जिसको आप टच कर सकते हो, ये एक सरफेस होगा जिसको आप टच कर सकते हो, अल्टीमेटली आपको ये सरफेस निकालना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, एक रिंग बन गया, तो इस रिंग का जो एरिया होगा बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपके इस रिंग का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट इसमें? सो अगर मैं होलो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो कर्व सरफेस एरिया तो आना ही आना है, यानी कि 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू एच प्लस दोनों बेसिस का एरिया, तो यहां पे होलो सिलेंडर के एक बेस का एरिया आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बेस का सरफेस आपको इस तरीके से दिखाई देगा, एक रिंग आपकी बन जाएगी, ये जो सरफेस है इसको आप टच कर सकते हो, और जिस सरफेस को आप टच कर सकते हो उसका एरिया ये होगा बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया माइनस कर देंगे, तो सिलेंडर के एक बेस का एरिया आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन हमको यहां पे किससे मल्टीप्लाई, दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपके दो बेस है, आपके कितने बेस हैं, दो बेस हैं। क्लियर, फॉर्मूले आपको रट्टा नहीं लगाने, सिंपल से बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए, ये सब आपको चीज डायरेक्टली लिखनी है, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूं। चलिए, तो यहां से ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू एच प्लस यहां से 2 पाई, ये पाई कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसको चाहे तो आप फर्दर सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, कोई वैसे यहां पे 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा कॉमन दोनों जगह से, यहां से क्या बचेगा स्मॉल एच, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर में कॉमन ले चुका हूं, तो अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये आ जाएगा आपका सिलेंडर, होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन ले लिया, तो यहां से भी 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्या होता है, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, वो कॉमन चला गया, तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्लियर, कोई समस्या? से बहुत ही आसान सी चीजें हैं अभी तक तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट, अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि जैसे आपके पास ही सिलेंडर है आपके पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बहुत सारे सवाल में इस चीज का यूज होगा, आपके पास ही सिलेंडर है, ये हो गया सिलेंडर है, ठीक है ना। अब मैंने बताया आपको सिलेंडर की एक्सिस के बारे में, तो सिलेंडर के ये जो दोनों सर्कुलर बेसन के सेंटर्स को आपस में मिला दीजिए, सो ये हो जाएगी आपकी एक्सिस ऑफ सिलेंडर, क्या आपकी सिलेंडर की एक्सिस या सिलेंडर की अक्ष। सेम टू सेम एक फिगर और होती है, आपको पता भी होगा, ये होता है आपका कोण, कोण, शंकु, कोण, शंकु,
क्लियर है शंकु। तो ये है आपका कोण, कोण का ये क्या है वर्टेक्स, टॉप मोस्ट पॉइंट कोण का वर्टेक्स होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट है ये कोण का, और ये कोण शंकु का जो बेस होता है सर्कल होता है, सर्कल का सेंटर है ये। तो कोण के वर्टेक्स और इस सर्कल के सेंटर को यदि मैं इस तरीके से मिला दूंगा तो ये हो जाएगी आपकी कोण की एक्सिस, कोण की एक्सिस, इसको बोलते हैं हम कोण की एक्सिस। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, कोण की एक्सिस, समझ में आया सबको। चलिए अब ध्यान से समझना है आपको, अब ध्यान से समझना है आपको, एक चीज आपको पता होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर इसको क्या बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ध्यान समझना, क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्लियर है, क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्लियर है, चलिए अब ध्यान से समझना, क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलिए अब मैं आगे समझा रहा हूं कि होता क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए 3D फिगर्स जो हैं, जैसे आपकी कोन हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, समझ रहे हैं आप, कोन हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, ये आपका स्फेयर हो गया, इस तरीके से जितनी आपकी 3D फिगर्स हैं इनको आप विजुलाइज कर सकते हो दिमाग में, इनका फिगर बनाने में दिक्कत होती है, तो मोस्टली क्या करते हैं कि हम इनको 2D में विजुलाइज करके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, इनको 2D में विजुलाइज करके इनको आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर है, समझने की कोशिश करने की, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपके सामने ये सिलेंडर बनाऊं, समझते रहना, सो सिलेंडर इज ए 3D फिगर, ये आपके सामने एक सिलेंडर बना हुआ है। क्लियर है, ये आपके सामने एक सिलेंडर बना हुआ है जो कि 3D फिगर है, और मैं इसका दिखाना चाहता हूं आपको क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि 2D में होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि 2D में होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि 2D में होगा। क्लियर है, चलिए अगर मैं यहां पे सर्कल के सेंटर को ऐसे मिला दूं तो ये हो जाएगी आपकी एक्सिस। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे कि इस एक्सिस के थ्रू, इस एक्सिस से पास करने वाला कोई ऐसा प्लेन, इस एक्सिस से पास करने वाला कोई ऐसा प्लेन हो जो इस सिलेंडर के अंदर अंदर हो, तो वो प्लेन ही क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, और वो प्लेन सिलेंडर के केस में क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ध्यान से समझना, सिलेंडर के केस में वो प्लेन क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ये सपोज आपका ये क्या है, एक क्या है, ये एक सिलेंडर है, दिख रहा है आपको सिलेंडर, दिख रहा है, और सिलेंडर को अगर आप ऐसे देखो, ये सिलेंडर है, कोई दिक्कत इसमें ना, अब ये सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर, तो दोनों सर्कल के सेंटर को मिला दिए तो बीच में एक्सिस दिखाई दे रही है, इस सर्कल के सेंटर, इस सर्कल के सेंटर को ऐसे मिला दीजिए तो बीच में एक्सिस टाइप की बन जाएगी। अच्छा, इस एक्सिस से पास करने वाला मैं एक ऐसा प्लेन ले जाऊं एकदम मिडिल एक्सिस से पास करने वाला जो सिलेंडर के अंदर ही अंदर है, तो प्लेन क्या होगा, एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा। मतलब चाहे मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि यदि इस सिलेंडर को मैं सामने से फ्रंट व्यू से देखूं तो इस तरीके से एक प्लेन इसके एक्सिस से ऐसे पास करेगा तो इट विल लुक लाइक ए रेक्टेंगल, एक आयत की तरह होगा कि नहीं। क्लियर, अगर मैं यहां पर यह बोलूं कि इस सिलेंडर की जो रेडियस है, बेस रेडियस स्मॉल आर है, ये हाइट जो है ये स्मॉल एच है। क्लियर है, तो यहां पे मुझे इस रेक्टेंगल की जो लेंथ दिखाई देगी ये 2R, एंड दिस इज कितना दिखाई देगा ये आपको H, ये आपको पता होना चाहिए 2R और ये कितना दिखाई देगा आपको स्मॉल H। क्लियर, कोई समस्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना है। क्लियर, चलिए इट विल लुक लाइक ए सिलेंडर है 2D में, यदि आपको देखोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये किसकी तरह दिखाई देगा आपको, एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा। क्लियर, मैं आपके सामने दूसरी फिगर बना रहा हूं कोन, इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको ज्यादातर, कोन, कोन क्या है आपका, इस टाइप से फिगर होती है शंकु की फॉर्म की, ये आपका कोन हो गया। मैंने आपको बताया था कि कोन की एक्सिस क्या होती है, कि ये हो जाएगा आपका टॉप मोस्ट पॉइंट, इसको मिला दीजिए ये हो जाएगा आपका कोन। क्लियर, अगर आप इस कोन को, अगर आप 2D में देखो, ये 3D फिगर है, अगर आप इस कोन को, शंकु को 2D में देखो तो ध्यान से समझना आपको, ये है आपकी कोन की एक्सिस, टॉप मोस्ट पॉइंट सिलेंडर के सेंटर को, किसके सर्कल के सेंटर को मिला दी तो कोन की एक्सिस बन गई। अब इस एक्सिस से पास करने वाला कोई ऐसा प्लेन हो जो इस कोन के अंदर ही अंदर है, इस विजुलाइज करना है, ध्यान समझना, इस कोण से, ये इसको एक्सिस से पास करने वाला कोई ऐसा प्लेन हो जो इसके अंदर ही अंदर रहे, इस एक्सिस के अंदर, इस कोण के अंदर ही अंदर रहे, तो वो क्या होगा, अगर आप उसको ध्यान से विजुलाइज करो तो आपको वो एक ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा, आपको वो एक ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा। इस कोण के एक्सिस से पास करने वाला एक ऐसा प्लेन हो जो इस कोण के अंदर ही अंदर है, तो आपको ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा। क्लियर, अगर आप यहां पे गौर करो तो सपोज ये है आपकी इस कोण की बेस रेडियस स्मॉल आर, ये आपकी हाइट है, ये कोण की स्लैंट हाइट एल, तो ध्यान से समझना ये किसकी तरह दिखाई देगा आपको, एक ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा, इस कोण का क्रॉस सेक्शन एरिया, और इस ट्रायंगल का जो बेस होगा वो इस सर्कल के डायमीटर के बराबर, यानी कि कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, 2R हो जाएगा। क्लियर है, और ये भी, ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका स्मॉल एल होगा, ये भी स्मॉल एल होगा, स्लांट हाइट, ये क्या आपकी स्लांट हाइट स्मॉल है, तीरिया पूछा ये क्या स्लांट हाइट स्मॉल एल, तो ये भी स्मॉल एल होगा, ये भी स्मॉल होगा, और स्ट्रैंगल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी आपकी स्मॉल एच होगी, स्ट्रैंगल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी स्मॉल एच। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो होगा आपका एक आइसोसेलस ट्रायंगल होगा, हमेशा एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, इस कोण का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो एक आइसोसेलस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर, कोई डाउट इसमें, एक कोण का जो क्रॉस सेक्शन एरिया निकलेगा वो क्या होगा आपका, एक आइसोसेलस ट्रायंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर है, ठीक है भाई, तुम्हारा 2R, स्मॉल स्मॉल है, ये हाइट स्मॉल है, कौन सा प्लेन है ये, इस कोण के एक्सिस के थ्रू पास होने वाला प्लेन है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, चलिए
थर्ड इंपॉर्टेंट फिगर मैं ले रहा हूं आपके सामने स्फीयर, स्फीयर ठोस गोला स्फीयर, थर्ड इंपॉर्टेंट फिगर मैं ले रहा हूं आपके सामने एक स्फीयर। तो ये जो है एक स्फीयर है, अब पता नहीं मैं इसको सॉलिड कैसे बनाऊं, मैं इसको ऐसे कर देता हूं। सपोज क्रिकेट की बॉल देखिए, क्रिकेट की बॉल दैट विल लुक लाइक ए स्फीयर, क्रिकेट की बॉल एक स्फीयर होती है। अब अगर मैं स्फीयर की एक्सिस की बात करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि स्फीयर का डायमीटर ही उसकी एक्सिस है, कि आपके पास स्फीयर है, स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा और सेंटर से एक लाइन पास करेगी जो स्फीयर के सरकमफेरेंस के, स्फीयर के सरफेस के दो पॉइंट्स को मिलाएगी, स्फीयर के सरफेस के दो पॉइंट्स को मिलाएगी जैसे स्फीयर का सेंटर है और उस लाइन से ये पास कर रही। तो ये क्या है तुम्हारा स्फीयर का, ये डायमीटर है। तो ये इस स्फीयर के हम एक्सिस भी कह सकते हैं, क्लियर है। अगर मैं इसको आपको इस तरीके से मैं 2D में दिखाना चाहूं, ध्यान से समझना आपको, तो इससे पास करने वाली स्फीयर के डायमीटर से पास करने वाला एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा तल जो इस स्फीयर के अंदर ही रहे, वो कैसा दिखाई देगा, वो आपको एक सर्कल, एक वृत्त दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, वो आपको एक सर्कल की फॉर्म में, वृत्त की फॉर्म में दिखाई देगा। अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे, कौन का फ्रंट व्यू देखोगे, इट विल लुक लाइक ए ट्रायंगल। स्फीयर का फ्रंट व्यू, उसकी छाया देखोगे, छाया अगर आप देखोगे, उसकी परछाई अगर देखोगे, तो सिलेंडर की परछाई रेक्टेंगल की तरह, कौन की परछाई ट्रायंगल की तरह, आइसोसेलस ट्रायंगल, और इस स्फीयर की जो परछाई है दैट विल लुक लाइक ए सर्कल, क्लियर है, ठीक है, शैडो जो होगी इसकी। तो यहां पे ये डायमीटर से पास होने वाले कैसा प्लेन का होगा, एक सर्कल की फॉर्म होगा। अगर यहां पे स्फीयर की जो ये रेडियस है, यदि आपकी कैपिटल आर है, तो सर्कल की जो रेडियस है ये भी कैपिटल आर ही होगी, क्लियर है। सो इन सब बातों का बहुत यूज करना है आपको, कोई समस्या इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी भाई को अभी तक, क्लियर है भाई यहां पे बातें, चलिए समझेंगे आगे। नेक्स्ट, अब हम अपने सिलेंडर पे बात करते हैं, सिलेंडर। चलिए यहां पे इंपॉर्टेंट मैं आपको रिजल्ट बताने वाला हूं, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे। 2017 मेंस के पेपर में इस पे सवाल भी आया था, और आपको बहुत ध्यान से समझना है और आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, समझा मैं आपको दूंगा, आपके सोचने की क्षमता आपको बढ़ानी है। सपोज आपके पास एक सिलेंडर है, आपके पास एक सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है, इधर बनाते हैं, आपके पास ये एक सिलेंडर हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। सो ये है सिलेंडर ना, अब इस सिलेंडर की एक्सिस ये हो गई, इस सिलेंडर की जो एक्सिस है वो ये हो गई, क्लियर है, गुड आउट। और इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो ये हो गई कैपिटल आर, सिलेंडर की जो रेडियस है ये कितनी होगी, सर्कुलर बेस की जो रेडियस है वो कितनी होगी, कैपिटल आर। अब इस सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर डाला जाता है, इस सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर डाला जाता है जिसकी एक्सिस जो है इस सिलेंडर की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और वो जो दूसरा सिलेंडर है इसके अंदर परफेक्टली फिट होता है, जो दूसरा सिलेंडर है इसके अंदर परफेक्टली फिट होता है, ध्यान से समझना। इस सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर डाला जाता है, कुछ इस तरीके से डाला जाएगा, ध्यान से समझना, जिसकी एक्सिस जो है एक बड़े सिलेंडर के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और वो जो दूसरा सिलेंडर है वो इसके अंदर परफेक्टली फिट होता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही सिलेंडर की जो एक्सिस है वो यहां पे परपेंडिकुलर है, ये क्लियर है, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है सभी को, आप देखिए ध्यान से। और यहां पे जो छोटा सिलेंडर डाला जा रहा है, सपोज इसकी हाइट जो है ये आपको दी है स्मॉल h, और जो छोटा सिलेंडर डाला जा रहा है इसकी जो रेडियस बोली है वो कितनी बोली आपको स्मॉल r, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है आपको स्मॉल r, समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं यहां पे इस तरीके से बड़ा सिलेंडर है, मैं इसके अंदर ये दूसरा सिलेंडर फिट करूंगा कि उसके एक्सिस परपेंडिकुलर है, जस्ट फिट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी हाइट स्मॉल h और छोटे सिलेंडर की रेडियस स्मॉल r, बड़े सिलेंडर की रेडियस कैपिटल r, तो आपको रिलेशन बताना है स्मॉल h स्मॉल r और कैपिटल r में, क्लियर है, ध्यान से समझना। अब विजुलाइज करना है आपको चीजों को, क्लियर है। पहली बात तो ये कि जैसे अगर ये आपका सिलेंडर है और मैं इसमें दूसरा सिलेंडर एक्सिस के परपेंडिकुलर फिट करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे बताना क्या ये टच करेगा, क्या इधर टच नहीं करेगा, बीच में कुछ स्पेस खाली रह जाएगा ना, यहां पे कुछ स्पेस खाली रह जाएगा। जैसे ये आप एक सिलेंडर की तरह मान लो, ये आपको इसको सिलेंडर की तरह मान लो, और मुझे इसमें सिलेंडर डालना, यहां पे इस तरीके से आप इसमें सिलेंडर पुट करोगे, समझ लो, इस सिलेंडर इसमें आप इस तरीके से पुट करोगे। तो अब ध्यान से देखो, ऐसा मानना कि मैं ये वाला सिलेंडर इसके अंदर से पुट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये पुट करने की कोशिश करूं, तो सभी को यहां पे ये स्पेस जो है कॉर्नर में स्पेस जो है खाली दिखाई दे रहा है, इस तरीके से स्पेस आपको स्पेस खाली दिखाई देगा, क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी को, यहां पे कुछ ना कुछ स्पेस जैसे यहां पे आपको खाली होगा, क्लियर है। चलिए अब करेंगे कैसे इसको, ध्यान से समझना ना, ये आपका एक इस तरीके से सिलेंडर है, आप इसको देख सकते हो। अब मैं इसमें एक दूसरा सिलेंडर डालने की कोशिश करूंगा, सिलेंडर है, इसमें दूसरा सिलेंडर डालने की कोशिश करूंगा जिसकी एक्सिस जो है वो उसके परपेंडिकुलर है, तो इस तरीके से मैं डालने की कोशिश करूंगा। तो यहां से ये आपको थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा, ये इसमें एकदम ऐसे फिट नहीं पाएगा, तो सिलेंडर क्या है वो इस तरीके से अंदर जाएगा, ऐसे सरक जाएगा, यहां पर एकदम फिट हो जाएगा, जस्ट एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक सिलेंडर आपका इस तरीके से फिट होगा। अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाना चाहूं, ध्यान से समझना, अगर मैं आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाना चाहूं इस बड़े वाले सिलेंडर का, इस वाले बड़े वाले सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाना चाहूं, किसका, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। इस बड़े वाले सिलेंडर का यदि मैं क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाना चाहूं, तो ये है सपोज आपका बड़ा वाला सिलेंडर, सो इस बड़े वाले सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया एक सर्कल है, सर्कल विद रेडियस कैपिटल आर। सो मैं बना रहा हूं यहां पे एक सर्कल, और सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर, यहां पे बना रहा हूं एक सर्कल, और सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, कैपिटल आर, क्लियर है, ठीक है। तो ये सर्कल है, मैंने ये फिगर यहां पे ये बना दिया, क्लियर, कोई समस्या। अब मैं इस सर्कल में यहां पे इस तरीके से सिलेंडर डालने की कोशिश करूंगा, तो अगर आप इस सिलेंडर के, ये जो सिलेंडर मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो सिलेंडर है, यदि मैं इसका इस तरीके से यहां पे क्रॉस सेक्शन देखूंगा, आपको इस क्रॉस सेक्शन इस तरीके से यहां पे दिखना है, इस बारी इस तरीके से क्रॉस सेक्शन देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको, एक रेक्टेंगल दिखाई देगा यहां पे, जब मैं डालूंगा तो आपको यहां पे क्या दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल इस तरीके से दिखाई देगा कि नहीं,
क्लियर है वो डाउट। इसमें क्या दिखाई देगा आपको, रेक्टेंगल दिखाई देगा। यहां पे अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे कि जैसे ये तुम्हारे सर्कल है, कंप्लीट सर्कल होगा इसके राउंड राउंड कंप्लीट सर्कल, और इस सिलेंडर की ये क्या हो जाएगी एक्सिस, सिलेंडर की क्या हो जाएगी एक्सिस, और एक्सिस से ये जो जाने वाला जो प्लेन है दैट विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल, दैट विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल इस बड़े वाले सिलेंडर के जो बेस सर्कल इसमें जस्ट फिट होगा। तो समझना, इसी क्रॉस सेक्शन को यदि मैं यहां पे बना दूं तो आपको ये फिगर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ध्यान से समझना है आपको, ये फिगर इसमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बने रहेंगे मेरे साथ, 3D में ऑब्जर्व करना है आपको, समझ में आपको आ जाएगा। चलिए, यस, इस तरीके से क्लियर है कि ये था आपका बड़े वाले सिलेंडर का, क्या ये था आपका बड़े वाले सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन, दैट मींस ए सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर मैंने क्या किया, सिलेंडर के अंदर एक दूसरा सिलेंडर डालने की कोशिश की, तो इस तरीके से ये मैं सिलेंडर लाऊंगा हवा में और ये इसके अंदर यहाँ पे जस्ट फिट करके ऐसे फंसा के और ऐसे मैं कहीं भी रोटेट कर सकता हूँ। तो जब ये सिलेंडर यहाँ पे इस तरीके से फंसा रहेगा तो आप ऐसे देखोगे कि ये बड़े वाले सिलेंडर का क्या है, सर्कल है, बड़े वाले सिलेंडर का बेस सर्कल है, और यहाँ से ये जो प्लेन पास करेगा जो ये इस वाले सिलेंडर के घी के डब्बे का क्या होगा, वो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, रेक्टेंगल होगा, और रेक्टेंगल की जो ये लंबाई होगी, सभी बताएंगे रेक्टेंगल की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, स्मॉल एच होगी, क्या होगी, रेक्टेंगल की जो लंबाई होगी भाई वो कितनी होगी, स्मॉल एच होगी, और रेक्टेंगल की जो चौड़ाई होगी, इस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई होगी, ध्यान समझना, जो रेक्टेंगल की चौड़ाई होगी वो क्या होगी, इसके डायमीटर के बराबर, डायमीटर के बराबर, भाई इस रेक्टेंगल इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा इसकी जो चौड़ाई होगी डायमीटर 2R के बराबर होगी ना, क्रॉस सेक्शन 2R, ठीक है ना, 2R, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ स्मॉल R, इस तरीके से आपको दिखाई देगा ट्वाइस ऑफ स्मॉल R। सो 3D विजुअलाइजेशन को मैं ले गया 2D में, क्लियर, कोई समस्या यहां पे किसी प्रकार की अभी तक बता देना भाई, खतरनाक चीज है। अब समझ में, मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी बता रखी कि अगर आपके पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर यदि मैं एक रेक्टेंगल एक आयत बनाता हूं, सो इस रेक्टेंगल का ये जो डायगोनल है, डायगोनल AB, ये रेक्टेंगल का डायगोनल है, पर ये आपके सर्कल का डायमीटर भी होगा, ये आपके सर्कल का डायमीटर भी होगा, ये आपके वृत्त का व्यास भी होगा, रेक्टेंगल का डायगोनल ही सर्कल का डायमीटर भी होगा। क्लियर है, कोई समस्या किसी प्रकार की किसी भाई को, तो आप समझने की कोशिश करना। सो अगर मैं यहां पे बना दूं, अगर मैं यहां पे बना दूं रेक्टेंगल का डायगोनल, सो मुझे पता है कि यही सर्कल का डायमीटर भी होगा, यानी कि अगर मैं ये नाम दे दूं कि सपोज ये आपका ABCD रेक्टेंगल है जो कि क्रॉस सेक्शन आपके इस वाले सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन ही मैंने ये यहां पे बना दिया है, तो ये स्मॉल एच है, स्मॉल 2R है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ कैपिटल R, डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 2R। क्लियर है, कोई समस्या, और ये एंगल कितने का होगा आपका 90 डिग्री का, दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, समझना ध्यान से, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 2R का होल स्क्वायर, यानी कि 2R का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका twice of small r square plus h square, so यहां से 4R square बराबर 4 times of small r square plus h square, ये आपका एक रिलेशन आ जाएगा, ये आपका एक रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, दिस ये आपका छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस और उसकी हाइट और आपके बड़े वाले सिलेंडर की बेस रेडियस कैपिटल R में रिलेशन आ जाएगा। सो कोई भी सवाल आपके पेपर में आए आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हो, बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, ये इधर आ जाएगा तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर बटे एच स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 1/4, 1/4, ये रेशियो भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ये इधर आएगा तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर हो जाएगा 4 रहेगा, ठीक है, और एच स्क्वायर को ले आएंगे 4 आपका उधर चला जाएगा, तो ये रेशियो रहेगा आपका। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, सो बहुत ही आसान सा लॉजिक है, आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं कि बड़े वाले सिलेंडर है और ये बड़े वाले सिलेंडर का क्या दिखाई देगा आपको, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया समझाने का, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया दैट मींस ए सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर जब मैं इस तरीके से सिलेंडर फिट करने की कोशिश करूंगा, सो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, दैट विल लुक लाइक रेक्टेंगल। सो यहां पे देखो ये सर्कल है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है और ये रेक्टेंगल हो जाएगा, अरे ऐसे देखोगे ना, इसे पास करने वाले मिडिल से क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा प्लेन, उस रेक्टेंगल की लंबाई है चौड़ाई 2R और भी सर्कल के अंदर इस तरीके से फिट होगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और इक्वेशन हो जाएगा आपका। क्लियर है, चलिए ना, ये जो केस था ये आपके 2017 मेंस के पेपर में पूछा गया था, जो कि बहुत अपने आप में स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। एक केस में आपको और समझा रहा हूं जो कि अभी पेपर में नहीं पूछा गया, नहीं आपको किसी बुक में मिलेगा, लेकिन उस पर क्वेश्चन बन सकता है, सेम टू सेम यही चीज आपको बहुत प्यार से समझना है, बहुत प्यार से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है, कोन इनसाइड ए सिलेंडर, सेकंड केस है कोन इनसाइड ए सिलेंडर, कोन इनसाइड ए सिलेंडर, क्लियर है, सिलेंडर के अंदर कोन यानी कि शंकु, ठीक है, कोन इनसाइड ए सिलेंडर। चलिए अब सपोज मैं आपके सामने एक सिलेंडर बनाता हूं, इस तरीके से मैंने आपके सामने ये सिलेंडर बनाया, ये तो भाई आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी, मैंने ये बनाया आपके सामने एक सिलेंडर और इस सिलेंडर की ये हो जाएगी आपकी एक्सिस, सो दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, और इसकी सिलेंडर की जो बेस रेडियस है वो है आपकी कैपिटल R, कितनी बेस रेडियस, कैपिटल R। अब इस सिलेंडर के अंदर एक कोन फिट किया गया, कोन भी ऐसे फिट किया गया कि उस कोन की जो एक्सिस है वो सिलेंडर के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो भाई आपका जो कोन होगा वो क्या कुछ इस टाइप से नहीं होगा, ध्यान से समझना, तो ये जो होगा आपका कोन क्या कुछ इस तरीके से नहीं होगा, यार चित्रकला मेरी बहुत खराब है, मैं बहुत परेशान हूं इस बात से, क्या बन गया ये, हे राम,
ठीक है, वेरी गुड, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या आपका ये कौन फिट नहीं होगा, बहुत ही सुंदर सा सवाल है, बन सकता है पेपर में, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। सो मैंने इस तरीके से एक बड़ा सिलेंडर था जिसकी रेडियस थी कैपिटल आर, और इसके अंदर एक कोन इस तरीके से मैंने डाला कि उस कोन की जो बेस रेडियस है, कोन की जो बेस रेडियस है ये कितनी आपकी स्मॉल आर, कोन की जो स्लांट हाइट है वो है आपकी स्मॉल एल, और इस कोन की जो हाइट है वो है आपकी स्मॉल एच। इस तरीके से मैंने डाला, जो कोन ये जस्ट फिट हो रहा है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर इस तरह का सिर्फ एक ही कोन होगा, बहुत सारे कोन अलग अलग डायमेंशन के इसके अंदर फिट किए जा सकते हैं, बहुत सारे कोन, क्लियर है भाई। जैसे एक सर्कल के अंदर बहुत, ऐसा नहीं कि यहां पे एक सिलेंडर था उसके अंदर एक ही सिलेंडर स्टेप से फिट होगा भाई, एक सर्कल के अंदर बहुत रेक्टेंगल बन सकते हैं, तो सिलेंडर के अंदर ही बहुत सारे सिलेंडर फिट किए जा सकते हैं। सेम टू सेम केस आपका यहां पे आएगा, यहां पे अगर आप समझेंगे तो आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर डाला गया एक कोन जिसकी एक्सिस क्या है, सिलेंडर के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और मैंने उस कोन की रेडियस हाइट और स्लैंट हाइट सब कुछ बता दिया है, आपको इन सब में रिलेशन बताना है बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस के साथ क्या रिलेशन होगा। पहली बात तो ये कि अगर ये आपका एक सिलेंडर है और सिलेंडर में मैं ऐसे कोन फंसाने की कोशिश करूंगा तो कोन का जो पीछे वाला जो सर्कुलर हिस्सा है ये पूरा कंप्लीटली इसके कर्व सरफेस को टच नहीं करेगा, कुछ स्पेस खाली रहेगा, क्लियर है। तो मैं सेम टू सेम प्रोसीजर करने वाला हूं जो मैंने अभी किया, मैं इस वाले सर्कल का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, बड़े वाले सिलेंडर का ऊपर से मैं क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, दैट विल लुक लाइक ए सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, एक सर्कल की तरह होगा जिसकी रेडियस कितनी होगी कैपिटल आर, एक सर्कल की तरह होगा जिसकी रेडियस कितनी होगी आपकी कैपिटल आर, क्लियर है। चलिए ना अब समझते रहना, ये तुम्हारा एक क्या है सिलेंडर है, इसका मैंने ये क्रॉस सेक्शन सर्कल दिखा, इसके अंदर मैं कोन ऐसे फिट करने की कोशिश करूंगा तो ऐसे ये कोन जाके फिट होगा, कोन दिखा भी नहीं सकता मैं, एक सेकंड होल्ड करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये जैसे तुम्हारा एक सर्कुलर सिलेंडर है, इसका ये जो है क्रॉस सेक्शन क्या है, ये सर्कल है, इसमें कोन देखो फिजिकी बोतल है ना, तो ऐसे कोन ही मैं फिट करने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान से देखेंगे कि ये जो तुम्हारा कोन है ये वाला हिस्सा तो कंप्लीटली ऐसे टच नहीं होना है, आप ये तो खाली रहेगा ना, तो ये जब तुम क्रॉस सेक्शन देखने की कोशिश करोगे, तुम्हारा सिलेंडर है क्रॉस सेक्शन देखने की कोशिश करोगे, तो इस कोन का जो क्रॉस सेक्शन आएगा दैट विल लाइक के क्या, दैट विल लाइक इट आइसोसेलस ट्रायंगल ना। सो अगर मैं इस कोन का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाऊं जो सर्कल के अंदर ऐसे फिट हो रहा है तो ट्रायंगल की तरह जाएगा, दैट विल लाइक इट ट्रायंगल लाइक दैट, ये हो जाएगा तुम्हारा एक आइसोसेलस ट्रायंगल, क्लियर है, दिख रहे ना, इस तरीके से होगा तुम्हारा, यहां पे तुम देखोगे तो ये तुम्हारा इसका क्रॉस सेक्शन जैसे यहां पे फिट हो रहा है, ऐसे मान लो कि कोन को मैं सलाह पकड़ के ये आया और मैंने यहां पे इसको फिट करने की कोशिश की, तो यहां पे जब मैं अंदर सरकाने की कोशिश करूंगा यहां पे मैंने देखा तो ये एक्सिस हो जाएगी कोन की, ये कोन की एक्सिस एक्सिस के थ्रू जाने वाले प्लेन का होगा, आइसोसेलस ट्रायंगल होगा, ठीक है भाई। तो मुझे एक सर्कल दिखाई देगा और सर्कल के अंदर दिखाई देगा एक ट्रायंगल, और सिर्फ ट्रायंगल की ये आइसोसेलस ट्रायंगल होगा, इसकी खास बात ये होगी कि इसका ये जो बेस होगा, इसका ये जो बेस होगा ये कितना होगा तुम्हारा 2r होगा, ये लेंथ स्मॉल l होगी, ये लेंथ स्मॉल l होगी, यहां से यहां तक की ये स्मॉल एल होगी, और ट्रायंगल की जो हाइट होगी 90 डिग्री पे होगा वो कोन की हाइट के बराबर यानी कि स्मॉल एच होगी, क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की, आप देख सकते हैं, समझना पड़ेगा भाई, घर पे एक्सपेरिमेंट करो, आपके पास ये सिलेंडर है और सिलेंडर का बेस का एक सर्कल है, सर्कल में इस तरीके से कोन डालो तो यहां से तो कंप्लीटली टच नहीं करेगा, जैसे मैं सर्कल सर्कल में मैंने ऐसे कोन डालो तो इट विल लुक लाइक तुम्हारे आइसोसेलस ट्रायंगल, क्रॉस सेक्शन नहीं देखो सर्कल, उसके अंदर ये आइसोसेलस ट्रायंगल इस तरीके से फिट हो रहा है, क्लियर, उसी को मैंने यहां पे ये बनाया है भाई, क्लियर है। चलिए नाउ अब क्या करना है, सिंपल सा, मुझे सर्कल की रेडियस निकालनी है, बाहर वाले सर्कल की इसकी तो रेडियस निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, इस जो सर्कल की रेडियस है या जो कैपिटल आर एक्चुअली है क्या, इस आइसोसेलस ट्रायंगल की सर्कम रेडियस, इस आइसोसेलस ट्रायंगल की सर्कम रेडियस ही क्या है आपकी कैपिटल आर, क्लियर है। तो मुझे निकालनी है आइसोसेलस ट्रायंगल की सर्कम रेडियस, और यदि किसी ट्रायंगल की साइड एबीसी हो तो उसकी सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल आर बराबर एबीसी बटे 4 डेल्टा, क्या फॉर्मूला, कैपिटल आर बराबर एबीसी बटे 4 डेल्टा, यही है कैपिटल आर बराबर एबीसी बटे 4 डेल्टा, यहां पे ट्रायंगल एक साइड है एल, एक साइड है एल, एक साइड है 2r, तो कितना हो जाएगा एल इंटू 2r बटे 4, डेल्टा मतलब क्या हो जाएगा आपका आइसोसेलस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 बेस कितना हो जाएगा आपका 2r, क्लियर है, और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी ये स्मॉल h, हाइट कितनी हो जाएगी स्मॉल h, भाई यहां पे देखेंगे एबीसी तो एक साइड स्मॉल l, एक साइड स्मॉल l, एक साइड आपकी 2r, तो एबीसी बटे 4, डेल्टा मतलब 1/2 बेस 2r और हाइट h, क्लियर है। चलिए समझना, आप ध्यान से देखिए, तो 2r से आपके 2r कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो यहां से कैपिटल आर देखिए 2 से 4 आपका कितनी बार चला जाएगा 2 बार, एल इंटू एल एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 इंटू h 2h हो जाएगा, तो कैपिटल आर बराबर कितना आएगा आपका एल स्क्वायर बाई 2h, ठीक है, ये कोई फॉर्मुला नहीं है, आपको रटना नहीं है, मैं आपको बस कंसेप्ट बता रहा हूं कि ऐसे कैलकुलेट हो सकती है, एल इंटू एल बराबर एल स्क्वायर 2 इंटू एच यानी कि 2h, मैंने खुद सोची है सारी चीजें, स्मॉल एल स्क्वायर बटे 2h, क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी प्रकार का किसी भी भाई को, यहां तक ये बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट अब समझेंगे हम, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अब सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, दिखाई दे रहा, इस रेक्टेंगल की लंबाई है स्मॉल एल और इसकी चौड़ाई है स्मॉल बी, तीन केस में आपको बता रहा हूं, मैं आपके सामने बना रहा हूं एक रेक्टेंगल एक आयत, यही है रेक्टेंगल, क्लियर है। अब मैंने इस रेक्टेंगल को लंबाई को बोल दिया मैंने कि भाई इस रेक्टेंगल की लंबाई है स्मॉल एल और इसकी चौड़ाई है ये स्मॉल बी,
अब मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया जिससे कि एक सिलेंडर फॉर्म हो जाए, समझ लो। तो ये एक रेक्टेंगल, इसकी लंबाई स्मॉल है, चौड़ाई भी, तो मैंने इसको फोल्ड किया इसकी लेंथ के अलोंग, इसकी लेंथ के अलोंग मैंने इस तरीके से फोल्ड किया, जो लेंथ है लेंथ को मैंने फोल्ड किया है इस तरीके से, क्लियर। तो लेंथ को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है, क्लियर। इसकी जो लेंथ है मैंने इसको यहां पे इस तरीके से फोल्ड किया है, क्लियर है, लेंथ को, नो डाउट। सो क्या बन जाएगा आपका, एक सिलेंडर बन जाएगा, बहुत नन्ना मुन्ना सा ये सिलेंडर बन जाएगा, क्लियर है, नो डाउट। और सिलेंडर की जो हाइट रहेगी स्मॉल h, वो इस रेक्टेंगल की चौड़ाई जो है b उसके बराबर रहेगी, h बराबर b। अगर आप देखेंगे कि अगर मैं यहां पे इसको इस तरीके से मोड़ के बनाऊंगा, इसको इस तरीके से मोड़ के बनाऊंगा, तो सिलेंडर की हाइट तो यही रहने वाली है ना, इस सिलेंडर की हाइट तो यही रहने वाली है ना, स्मॉल b, यही स्मॉल b रहने वाली सिलेंडर की हाइट। लेकिन यहां पे ये जो रेक्टेंगल की लंबाई थी स्मॉल l, जब मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया तो ये जो सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर का जो ये सर्कम, ये जो बेस है, ये सर्कल है, और सर्कल का पेरीमीटर ही क्या बनेगा, l बनेगा, क्लियर है। तो यहां पे अगर ये तुम्हारी बेस रेडियस स्मॉल r है, तो सभी को पता है कि 2 पाई स्मॉल r आपका किसके बराबर बन जाएगा, l के। यहां से आप स्मॉल r कैलकुलेट भी कर सकते हो, l / 2 पाई, क्लियर। l क्या है, रेक्टेंगल की लंबाई है। कोई डाउट इसमें किसी प्रकार का किसी भी भाई को, ये आसान था केस, ठीक। चलिए दूसरा केस हम लेते हैं, सेकंड वाला, कि अगर मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बनाता हूं, सेम टू सेम यही मैंने आपके सामने ये रेक्टेंगल बनाया इस तरीके से। सो ये रेक्टेंगल हो गया जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है स्मॉल एल, और इसकी चौड़ाई ये कितनी है भाई आपकी, स्मॉल बी, क्लियर। अब मैंने इसको फोल्ड किया है इसकी ब्रेथ के अलोंग, जैसे आप देख सकते हैं कि ये है आपकी इसकी लंबाई रेक्टेंगल, ये चौड़ाई भी, तो मैंने इसकी ब्रेथ के अलोंग ऐसे ये मैंने चौड़ाई को मोड़ दिया, रेक्टेंगल की चौड़ाई को इस तरीके से मोड़ के मैंने सिलेंडर बना दिया, बन गया। तो ये जो सिलेंडर बनेगा उसकी जो लंबाई रहेगी, उसकी जो हाइट रहेगी सिलेंडर की, वो स्मॉल एल के बराबर रहेगी, आप देख सकते हैं। तो जब मैं इसको यहां पे इस तरीके से फोल्ड करूंगा, मैंने इसको फोल्ड किया है इसको इसकी ब्रेथ के अलोंग, ऐसे मैंने इसको फोल्ड किया, तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा ना, फिर ऐसे लंबा लंबा सा बना दे रहा हूं, कोई दिक्कत ना, इस टाइप से बन जाएगा ना, क्लियर है। तो इस रेक्टेंगल की जो हाइट रहेगी, हाइट ये तो रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर ही रहेगी, देख सकते हैं कि जब ये था तुम्हारा रेक्टेंगल, मैंने इसको फोल्ड किया, तो इस रेक्टेंगल की जो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो रेक्टेंगल की लंबाई स्मॉल एल के बराबर है। लेकिन रेक्टेंगल की जो ये जो चौड़ाई थी बी, ये जो चौड़ाई थी रेक्टेंगल की बी, ये जो चौड़ाई थी रेक्टेंगल की बी, जब मैंने इसको फोल्ड किया तो ये क्या बन जाएगी, आपके सिलेंडर के जो बेस सर्कल है उसकी सर्कमफेरेंस, बी क्या बन जाएगी, सर्कल की सर्कमफेरेंस। तो अगर मैं सर्कल की रेडियस को स्मॉल आर मान लेता हूं, तो सभी को पता है कि यहां से 2 पाई स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर, और यहां से स्मॉल r की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बटे 2 पाई, b बाय 2 पाई, क्लियर। कोई डाउट, कोई बहुत बड़ी तुर्रम खान वाली चीजें नहीं है ये, अभी तक बहुत ही आसान से चल रहा है सब कुछ, ठीक। चलिए इसके बाद एक केस और बनता है, नेक्स्ट थर्ड केस, ठीक है भाई। चल थर्ड केस है कि जैसे सपोज क्या बोले हम, ये आप एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लंबाई l है, चौड़ाई b है, मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, ये बन गया सुंदर सा रेक्टेंगल, छोटा सा बनाएंगे हम, इसकी लंबाई है स्मॉल एल और इसकी चौड़ाई है स्मॉल बी, क्लियर है। कोई डाउट इसमें, अब मैंने इस रेक्टेंगल को रोटेट किया इस तरीके से, ये ब्रेथ ना, ब्रेथ के मतलब ये ब्रेथ है, ये भी चौड़ाई है, इसके अलोंग इस तरीके से मैंने रोटेट किया इसको, ऐसे 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 मैं रोटेट कर रहा हूं, ऐसे, अरे हो जा, ऐसे मैंने इसको रोटेट कर दिया। जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा ये ऐसे, तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा, समझते हैं ना। तो ये जैसे यहां पे मैंने सिलेंडर को ऐसे इसको रोटेट कर दिया, रेक्टेंगल को ऐसे इसके अलोंग घुमा दिया, इसके अलोंग ऐसे मैंने घुमा दिया इसको ना, ब्रेथ के चारों तरफ, वो डाउट इसमें। चलिए तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आपका एक सिलेंडर ये फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक सिलेंडर, इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, और इस सिलेंडर की जो हाइट रहेगी, इस सिलेंडर की जो हाइट रहेगी, ध्यान से सोचना, वो तो आपकी यही रहेगी, बी ही रहेगी, हाइट तो बी ही रहेगी, क्लियर है, वो डाउट। लेकिन जब मैंने इस रेक्टेंगल को इस तरीके से जब मैंने रोटेट किया, मैंने इस बार रोटेट किया, जब मैं इस तरीके से रोटेट करूंगा, तो इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है स्मॉल एल, यही क्या बन जाएगी, सिलेंडर की बेस की सर्कम रेडियस, यानी कि बेस की सर्कम रेडियस जो भी स्मॉल आर, वो किसके बराबर रहेगी, आपकी एल के बराबर रहेगी, क्लियर है, गुड डाउट। क्योंकि इसी को मैंने ऐसे रोटेट किया, तो ये स्मॉल आर, यही क्या क्रिएट कर देगा, आप एक सर्कल क्रिएट कर देगा, ये क्या बना देगा, आप एक सर्कल बना देगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी डिस्टेंस है सारी की सारी क्या रहेंगे, आपकी स्मॉल एल के बराबर, क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे सिलेंडर की कटिंग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, कि अगर हम सिलेंडर में कटिंग करते हैं तो क्या क्या नई कलाकारी हो सकती है, ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको फर्स्ट केस दिखाता हूं, जो कि बहुत आसान भी होगा। सपोज आपके पास एक इस तरीके से एक सिलेंडर है, हमारे पास इस तरीके से पहली बात एक सिलेंडर है, ये है। अब इस सिलेंडर की जो बेस रेडियस है वो हो गई भाई ये स्मॉल r, सिलेंडर की बेस रेडियस स्मॉल r, और सिलेंडर की जो हाइट है ये कितनी हो गई आपकी स्मॉल h। अब इस सिलेंडर से मैंने मैक्सिमम साइज का एक क्या निकाल लिया, मैक्सिमम साइज का एक कोण, एक शंकु निकाल लिया। अब इस सिलेंडर से मैंने मैक्सिमम साइज का एक कोण, एक शंकु काट के निकाल लिया, तो इस सिलेंडर से मैक्सिमम साइज का जो कोण कटेगा वो कुछ इस तरीके से कट जाएगा ना, इस तरीके से, ये मैंने कोण इसमें से काट के निकाल लिया, क्लियर है। सो आपका जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा, अगर आपको उस रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम आयतन निकालना होता तो बहुत आसान होता, जो पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा, कि सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर देते कोण का वॉल्यूम,
सिलेंडर के वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच में से माइनस कर देते शंकु का वॉल्यूम यानी कि 1/3 πr²h। वो जो पूछेगा, जो आपसे पूछेगा वो रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया पूछेगा। और ज्यादातर जो आपसे पूछेगा वो रिमेनिंग सॉलिड का भाई टोटल सरफेस एरिया पूछेगा कि रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बहुत आसानी से बता सकते हो। आपको हर एक सरफेस को 1/1 वाइजली कंसीडर करना है। पहली बात तो जो बड़ा सिलेंडर है इसका ये जो पर सरफेस एरिया है जो ये सीएस है इस पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, इसको आप अभी भी छू सकते हो, पहले भी छू सकते थे। तो ये तो आपका ज्यों का त्यों रहा यानी कि 2πr h। कोई समस्या इसमें? ये रहा 2πr h। दूसरी बात, जब मैंने यहां से सिलेंडर से कोण काट के निकाल दिया, ये मेरा आपके पास ये आप सिलेंडर का कोण काट के निकाल दे, जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा मुझे बताना क्या वो कुछ इस टाइप से नहीं होगा क्या? सिर्फ जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा क्या वो सिर्फ इतना इस टाइप से नहीं होगा रिमेनिंग सॉलिड? क्लियर है? अब इस रिमेनिंग सॉलिड में ये वाला जो सर्कुलर बेस है ये तो गया, सर्कुलर बेस इसको तो टच नहीं कर सकते, सिर्फ एक सर्कुलर बेस को आप टच कर सकते हो, इसको बोलना नहीं है, इस एक सर्कुलर बेस को आप टच कर सकते हो। और इसका एरिया कितना होगा आपका? πr²। क्लियर? कोई डाउट इसमें? दूसरी बात कि अगर यहां पे ध्यान से सुनना, मैंने इस तरीके से काट के निकाला तो ये कोन के कट जाने की वजह से, इस सिलेंडर से कोन निकल जाने की वजह से आप सोच रहे हो कि ये नुकसान होगा, ये एरिया खत्म हो गया, इतना एरिया भाई मेरा नुकसान हो गया, रोना शुरू कर दोगे। नहीं, आपका सरफेस एरिया एक्चुअली में बढ़ गया है, आपका सरफेस एरिया एक्चुअली में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ध्यान से समझना, जब ये कोन इस तरीके से निकाला जाएगा तो ये जो कोन का भी तो कर्व सरफेस एरिया होता है भाई, कोन का, इस कोन का भी तो कर्व सरफेस एरिया होता है ये। क्लियर है? इस कोन का भी तो ये कर्व सरफेस एरिया, ये भी तो आपका कोन छोड़ के जाएगा, ये भी तो कोन आपका छोड़ के जाएगा। तो कोन कर्व सरफेस एरिया छोड़ के जाएगा, यदि किसी कोन की बेस रेडियस, जैसे यहां पे कोन की बेस रेडियस स्मॉल r ही होगी, इस कोन की हाइट स्मॉल h ही होगी, तो मैं कोन की ये क्या होती है स्लांट हाइट, कोन की स्लांट हाइट स्मॉल l, ये कितनी होगी? √r² + h² पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का जाएगा। क्लियर है? तो इतना एरिया आपका एड अप हो जाएगा πr² + πr²। तो शंकु के हट जाने की वजह से आपका ये जो कोण अपना कर्व सरफेस एरिया पाई स्मॉल आर एल छोड़ के गया, तो अब जो रिमेनिंग सॉलिड होगा वो उसका टोटल सरफेस एरिया ये होगा, जो कि सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया से ज्यादा होगा। ये सिलेंडर जो है सिलेंडर के टीएसए से ज्यादा होगा, सिलेंडर के टीएसए से ज्यादा होगा। ज्यादातर क्या होता है केसेस में आपका, ज्यादातर जब भी हम किसी फिगर में से कोई फिगर काट के निकालते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता है, तो ये जो होगा सिलेंडर के टीएसए से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा ये भी समझेंगे। अगर मैं सिलेंडर का टीएसए लिखता तो ये होता 2πr h + 2πr²। 2πr² को मैं ऐसे लिख सकता हूं πr²+πr²। अगर आप देख ध्यान से देखो तो 2πr h + πr² यहां भी है, 2πr h + πr² यहां भी है, यहां पे है πr², यहां पे है πr²। मुझे बताना कि πr² और πr²l में कौन बड़ा है? सभी को पता है कि πr²l हमेशा बड़ा होगा आपका πr² से। क्यों? क्योंकि सिलेंडर की जो स्लांट हाइट होती है l, ये हमेशा उसकी रेडियस से बड़ी होगी, क्योंकि l बराबर होता है √r² + h² इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है l, और हाइपोटेनस लार्जेस्ट साइड होगी। तो पाई है ही, r तो r है ही, r स्क्वायर को ऐसे लिख सकते थे r × r, πr है, l ग्रेटर देन r होता है, ये आपका बड़ा है। ठीक है, तो इस वजह से आपका πr(l) की वैल्यू ज्यादा है πr² से, तो आपका जो टोटल सर्फेस एरिया वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? तो जो जो सरफेस एरिया मैंने काउंट किया वो कौन सा था? एक तो ये था, और एक सरफेस एरिया आपका ये वाला था, और दूसरा आपका जो सरफेस था वो ये वाला था। क्लियर? कोई समस्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा केस देखेंगे हम, सेकंड वन। ओके, अब जैसे सपोज अपने पास एक सिलेंडर है, मैं फिर से आपके सामने एक ये सिलेंडर बना रहा हूं, ये अपने पास एक ये सिलेंडर है, ठीक है, अपने पास एक सिलेंडर है। क्लियर? और सिलेंडर की जो बेस रेडियस है वो कितनी है? स्मॉल r, और इसकी हाइट कितनी है? स्मॉल h। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, सिलेंडर से दो मैक्सिमम साइज के हेमिस्फीयर काट लिए, इस सिलेंडर से दो मैक्सिमम साइज के हेमिस्फीयर या फिर अर्धगोले काट लिए। तो एक हेमिस्फीयर तो कट जाएगा आपका इस वाले बेस से, और एक हेमिस्फीयर कट जाएगा आपका इस वाले बेस से। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? दो इस तरीके से मैंने हेमिस्फीयर काट लिए, तो जो आपका रिमेनिंग सॉलिड होगा मुझे बताना क्या भाई वो कुछ इस तरीके से नहीं दिखेगा रिमेनिंग सॉलिड? सो ये जो रिमेनिंग सॉलिड है, यदि आपको इसका वॉल्यूम बताना हो, आयतन बताना हो, तो बहुत आसान बात हो जाएगी। बड़े वाले सिलेंडर के आयतन में से दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए। लेकिन आपको ये नहीं बताना, आपको बताना है रिमेनिंग सॉलिड का टीएसए, रिमेनिंग सॉलिड का टीएसए टोटल सरफेस एरिया बताना है आपको, रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ये आपको बताना है। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान सी बात होगी। पहली बात तो ये कि हेमिस्फीयर काटा गया वो मैक्सिमम साइज का, हेमिस्फीयर का बेसिक सर्कल है जिसकी रेडियस स्मॉल आर होगी, तो इस हेमिस्फीयर की जो रेडियस है ये भी तो स्मॉल आर होगी। अगर ये आपका स्मॉल आर है तो ये भी तो स्मॉल आर होगा, तो केवल तभी काटा जाएगा जब एच क्या हो आपका ग्रेटर देन 2r हो। एच इज ग्रेटर देन 2r, स्मॉल आर स्मॉल आर, या तो ग्रेटर हो या फिर जस्ट इक्वल हो।
या तो ग्रेटर हो या फिर जस्ट इक्वल हो, h इज ग्रेटर देन 2r, क्लियर है, या इक्वल टू 2r। सो रिमेनिंग सॉलिड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा कैसे निकालेंगे, पहली बात तो ये कि ये जो सिलेंडर का ये जो आपका ये जो कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट है इस पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, इसको पहले भी छू सकते थे आज भी छू सकते हो, तो अभी इसको छू सकते हो यहां पे, तो ये कितना रहेगा आपका 2 पाई स्मॉल r h, ठीक है। दूसरी बात, आप इसलिए परेशान हो जाओगे कि यहां पे जो हेमिस्फीयर के ये जो दो सर्कल हैं ये तो निकाल के हमने बाहर कर दिए, तो आप ध्यान से देखोगे जो रिमेनिंग सॉलिड रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से ना। सो कुल मिला के जो आपके सिलेंडर के दो सर्कुलर बेस थे उनकी सतह को आप टच नहीं कर सकते, यानी कि नुकसान हो गया, क्या हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो बेचारे छोटे नन्हे मुन्ने से हेमिस्फीयर है ये भी तो अपना कर्व सरफेस एरिया ये जो ये अंदर की तरफ छोड़ के जाएंगे, जो कर्व सरफेस एरिया ये अंदर की तरफ ये छोड़ के जाएंगे, ये क्लियर है, कोई डाउट इसमें, दोनों हेमिस्फीयर जो ये कर्व सरफेस एरिया ये अंदर की तरफ छोड़ के जाएंगे कि नहीं, क्लियर, कोई डाउट इसमें। सो यहां पे ये जो हेमिस्फीयर है भाई, यदि किसी स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर हो तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा हाफ, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। सो हेमिस्फीयर की रेडियस स्मॉल आर है तो एक हेमिस्फीयर का एरिया कितना होगा, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास तो ऐसे दो होंगे हेमिस्फीयर ना, एक इधर से और एक इधर से, तो ये आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर, कोई डाउट इसमें, से बहुत ही आसान सी बात थी। और ये एरिया जो है हमेशा ये जो रिमेनिंग सॉलिड का टीएसए है ये ओरिजिनल सिलेंडर के टीएसए से ज्यादा होगा, ओरिजिनल सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया से ये भी क्या होगा आपका ज्यादा होगा, क्लियर है, गुड डाउट, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ओरिजिनल सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहां पे क्या दिख रहा है आपको 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, यहां पे आपको 4 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, क्लियर, कोई समस्या। सो ये दोनों केसेस थे, बाकी क्वेश्चंस में तो आपको कराऊंगा ही मैं एक सिलेंडर से कौन भी सिलेंडर भी और ये हेमिस्फीयर भी तीनों एक साथ काट के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, कि जैसे आपका एक कोन हो गया कि कोन के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर कैसे होगा, कोन के अंदर मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया का सिलेंडर कैसा होगा, कोन के अंदर मैक्सिमम टोटल सरफेस एरिया का सिलेंडर कैसा होगा, स्फीयर के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर क्या होगा, ये सब बातें आपको देखनी है। सो आपके पास मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालने की, कर्व सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की या वॉल्यूम की, दो तरीके होते हैं, या तो आप यूज कीजिए डिफरेंशिएशन या फिर आप यूज कीजिए एएमजीएम अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का मेथड। AMGM का मेथड हर जगह नहीं लगता, लेकिन जहां पर भी AMGM का मेथड लगता है वहां पे चीजें आपकी बहुत आसान हो जाती है। डिफरेंशियल कैलकुलेशन का मेथड जो है वो आपका हर जगह लगता है, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि जहां पे AMGM का मेथड लगता हो आप वहां पे वही यूज कीजिए। AMGM तब लगेगा जब आपको एक लीनियर इक्वेशन का सम दे रखा हो, प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो, या फिर प्रोडक्ट दे रखा हो, सम की आपसे वैल्यू पूछी हो, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलेशन आपका सब जगह लगेगा, ठीक। तो हम एक केस लेके चल रहे हैं कि सपोज आपके पास एक कोन है, एक शंकु है, ध्यान से समझना, आपके पास एक कोन है, ये हो गया एक शंकु, आपके पास एक कोन है इस तरीके से। अब इस कोन का सर्कल एक बेसिक सर्कल है और सर्कल की जो बेस रेडियस है वो क्या मान ली मैंने, कैपिटल आर, ये मान ली मैंने कैपिटल आर, कोई समस्या। और इस कोन की जो हाइट है भाई, ये कोन की हाइट को मान लिया मैंने ये कैपिटल एच, कोन की हाइट को क्या मान लिया मैंने कैपिटल एच, कोई दिक्कत। अब इस कोन के अंदर मैंने मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर इनस्क्राइब किया है, ये निकाल लिया। अब इस कोन से मैंने निकाला मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर, ठीक है। सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इनस्क्राइब्ड इन ए कोन, ठीक है। एक कोन के अंदर जो मैक्सिमम वॉल्यूम का जो आपका सिलेंडर होगा उसके बारे में आपको विचार करना है कि उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा कैपिटल आर और कैपिटल एच की टर्म में, क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की, अब ध्यान से समझना आपको, ठीक। चलिए, अब मैंने ये मान लिया कि सुविधा के हिसाब से कि आपका ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की जो बेस रेडियस है स्मॉल आर है, यानी कि हो गया आपका स्मॉल आर, ये कितना हो गया आपका स्मॉल आर, सिलेंडर की बेस रेडियस को मैंने स्मॉल आर मान लिया, ये हो गई आपकी सिलेंडर की एक्सिस, और सिलेंडर की हाइट को मैंने स्मॉल एच मान लिया, तो ये होगी सिलेंडर की हाइट स्मॉल एच, सिलेंडर की हाइट को मैंने ये मान लिया स्मॉल एच, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। सो अगर मैं आपको इस कोन का क्रॉस सेक्शन दिखाना चाहूं, तो देखिए कोन के एक्सिस में पूरे कोन के एक्सिस को कंप्लीट कर रहा हूं, कोन के एक्सिस को मैंने पूरी कंप्लीट कर लिया, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे दिख रहा होगा, अंदर आपको 2D में क्रॉस सेक्शन में विजुलाइज करना पड़ेगा, आपको यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से दिख रहा होगा कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये जो हाइट है ये है आपकी कैपिटल एच, ये 90 डिग्री का है, और ये जो लेंथ है ये है आपकी कैपिटल आर, ये लेंथ है आपकी कैपिटल आर, आपको बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, नाम दे दे क्या, नाम देने से चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, चलो मैं दे देता हूं कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट आपका ई है, तो ये हो गया पॉइंट ए, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई,
क्लियर है, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट डी, राइट एंगल ट्रायंगल, ये कैपिटल एच और ये आपका कैपिटल आर। अब इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी आपको और दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से छोटू सा एबीसी, जिसमें ये कितना है आपका स्मॉल आर, ये कितना है आपका स्मॉल आर, क्लियर है, और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है आपकी स्मॉल एच, क्लियर। सो यहां पे आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एडी, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, समरूप त्रिभुज है। अगर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल 90 एंगल 90, ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने की साइड कितनी है स्मॉल आर, बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने की साइड कितनी है आपकी कैपिटल आर, क्लियर, गुड आउट। दूसरी बात, छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने की ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी आएगी बताना जरा, ये साइड आ जाएगी आपकी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये साइड, सो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने ये साइड कितनी आ जाएगी आपकी कैपिटल एच, क्लियर, कोई डाउट इसमें। यहां से मैं क्या करता हूं स्मॉल एच की वैल्यू को निकाल लेता हूं, स्मॉल एच की वैल्यू, क्लियर, चलिए ऐसे करते हैं कि यहां पे इसको सिंपलीफाई करो, तो कैसे लिख सकते हो स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर कैपिटल एच बाय कैपिटल एच 1 माइनस स्मॉल एच बटे कैपिटल एच, ये है, कोई दिक्कत किसी को, यहां पे अगर हम इधर ले आए तो स्मॉल h बटे कैपिटल h कितना जाएगा 1 माइनस स्मॉल कैपिटल r, क्लियर है। यहां से मैं सिलेंडर की हाइट स्मॉल h में रिलेशन बता सकता हूं कितना जाएगा 1 माइनस स्मॉल r बटे कैपिटल r इनटू h, ये मेरा एक रिजल्ट आ गया, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, यहां तक की बातें सबको समझ में आ रही होंगी। तो ये है आपका स्मॉल h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल r, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल h, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r, पर हमको ये रिलेशन रिलेशन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए इस सिलेंडर के वॉल्यूम की आयतन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कि कितना वॉल्यूम का सिलेंडर मैक्सिमम इस कोण से काटा जा सकता है। अब मुझे उसके लिए यूज करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, चलिए अगर समझना है आपको ध्यान से, अगर किसी सिलेंडर की रेडियस स्मॉल r हो, हाइट स्मॉल h हो, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है पाई r स्क्वायर h, यही बात है। अगर किसी सिलेंडर की जो रेडियस ऑफ स्मॉल r हो, हाइट h हो, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h। यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस स्मॉल r है, हाइट h है, तो इसका वॉल्यूम पाई r स्क्वायर स्मॉल h है, लेकिन स्मॉल h की वैल्यू 1 माइनस स्मॉल r बटे कैपिटल r इनटू h है। तो यहां पे स्मॉल h को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, स्मॉल h को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल r इनटू h से, इससे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया पाई r स्क्वायर 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल r इनटू h, क्लियर, गुड आउट, पाई आर स्क्वायर इनटू 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इनटू एच से, कोई समस्या यहां पे किसी प्रकार की। देखिए मेरे पास दो तरीके थे यहां पे, या तो मैं स्मॉल आर को एच की टर्म में लिख लूं या फिर एच को स्मॉल आर की टर्म में लिख लूं, मुझे सुविधा क्या रही कि स्मॉल एच को मैं आर की टर्म में लिखूं, ठीक है, चलिए ना। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो वॉल्यूम वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई, अंदर स्मॉल आर से स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाय कैपिटल आर इनटू एच। So, यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम जो है किस पे डिपेंड कर रहा है पाई, कैपिटल एच बड़े सिलेंडर की हाइट, बड़े सॉरी कोन की हाइट, और कैपिटल आर कोन की रेडियस, यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसकी रेडियस स्मॉल आर पे ही डिपेंड कर रहा है। तो मैंने वॉल्यूम को फंक्शन बना दिया उसकी रेडियस स्मॉल आर का, कि वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ रेडियस स्मॉल आर, क्लियर। तो यहां से मैं डिफरेंशिएट करके ये निकाल सकता हूं कि आर की किस वैल्यू के लिए आपका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, यहां से मैं डिफरेंशिएट करके ये निकाल सकता हूं कि आर की किस वैल्यू के लिए आपका वॉल्यूम, आपका ये जो वॉल्यूम है ये मैक्सिमम होगा। यहां पे कौन में लिख भी रहा हूं कि स्मॉल एच किसके इक्वल था 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इनटू एच के इक्वल था, ठीक। यहां से मैं डिफरेंशिएट करके निकाल सकता हूं कि स्मॉल आर की किस वैल्यू के लिए ये वॉल्यूम वी मैक्सिमम है। आपको ये रूल डिफरेंशिएशन का जरूर पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है x की पावर n, यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है n इंटू x की पावर n माइनस 1, n इंटू x की पावर n माइनस 1। आपके पास कोई एल्जेब्रिक फंक्शन x टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, क्लियर, कोई समस्या यहां पे। आप कोई भी आपके पास फंक्शन हो आप उसको डिफरेंशिएट करो, उसको जीरो के इक्वल रख दो, तो जो भी वैल्यू आएगी या तो उस पे वो फंक्शन मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको डिफरेंशिएशन लिखना है x की पावर 4 का, x की पावर 4 का, तो कैसे लिखोगे x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 4 into x to the power 4 minus 1, यानी कि 4 into x to the power 4x cube, क्लियर, कोई डाउट इसमें, चलिए आप समझना ध्यान से ना। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ r, यहां से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे इसको तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, आपको r के रेस्पेक्ट में, यानी कि dv बटे dr, क्लियर। तो ये देखिए पाई तो आपका पाई ही रहेगा, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, और आर क्यूब का कितना हो जाएगा 3 स्मॉल आर स्क्वायर और बटे कैपिटल आर, और ये कैपिटल एच तो आपका कैपिटल एच ही रहेगा, क्लियर है भाई। पाई आज ये तो कांस्टेंट है, पाई और एच, आर स्क्वायर का 2r हो गया, आर क्यूब का मतलब 3 इंटू आर की पावर 3 माइनस 1, यानी कि 3 आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर, ये हो गया। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, सो इसको इक्वल टू रख दिया मैंने जीरो के, क्लियर है। सो यहां से आप देखोगे तो 2r बराबर, क्योंकि पाई एच तो जीरो हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है 2r को इक्वल होना पड़ेगा 3 आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर के, तो आर से आपका आर कट गया। यहां से स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी ट्वाइस ऑफ कैपिटल r बाई थ्री, टू आर बाई थ्री,
स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर बाई थ्री, टू आर बाई थ्री। तो मैं ये कह सकता हूं कि सिलेंडर का ये जो वॉल्यूम है वी, ये मैक्सिमम होगा आपका स्मॉल आर बराबर टू आर बाई थ्री पर। टू आर बाई थ्री पर ये वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा वॉल्यूम, ये मैक्सिमम होगा एट स्मॉल आर बराबर टू आर बाई थ्री पर, यदि मैं बेलन को, बेलन की रेडियस को, कौन की रेडियस का टू थर्ड लेता हूं। अच्छा, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, फिर एच की वैल्यू क्या आ जाएगी स्मॉल आर की जगह यदि मैं टू आर बाई थ्री रखूंगा, आर से आर कट जाएगा, वन माइनस टू बाई थ्री यानी कि वन बाई थ्री एच। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई थ्री एच। क्लियर है? सो यानी कि वी बराबर सॉरी एच बराबर वन बाई थ्री कैपिटल एच पर, और स्मॉल आर बराबर टू कैपिटल आर बाई थ्री पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। सो वी मैक्स जो आएगा आपके सिलेंडर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो पाई स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि टू आर बाई थ्री का होल स्क्वायर, स्मॉल एच यानी कि वन बाई थ्री एच। सो वी मैक्स जो होगा वो कितना जाएगा फिर आपका, पाई 2R का होल स्क्वायर यानी कि 4R स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका H, और 3 × 3 = 27, ये हो जाएगा। क्लियर है? सो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए 4 हो गया ना, 2R² 4R² H, 3 × 3 = 27। सो मैक्सिमम वॉल्यूम का जो सिलेंडर काटा जाएगा एक कौन से जिसकी बेस रेडियस कैपिटल R और हाइट H, वो कितना होगा 4π/27 4π/27 R² H, 4π/27 R² H, 4π/27 R² H। क्लियर? कोई समस्या इसमें? 4π/27 R² H। क्लियर? क्लियर है सभी को? बहुत अच्छी बात है, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट केस, एक केस और देखेंगे। मैं आपको सारी चीजें यहीं पे कंबाइन करके दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया, डिटेल में मैंने आपको बताया है। ठीक, चलिए सपोज आपके पास एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, एक ठोस गोला है। आपके पास एक स्फीयर है, इस तरीके से एक ठोस गोला है, ठीक है, स्फीयर। इस स्फीयर से मैक्सिमम वॉल्यूम का एक सिलेंडर काटा गया है, ठीक है, सिलेंडर काटा गया। तो यहां पे लिख रहा हूं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनस्क्राइब्ड इन इन मैक्सिमम वॉल्यूम सिलेंडर इनस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। अच्छा, स्फीयर आपके पास एक स्फीयर, एक ठोस गोला, उससे मैक्सिमम वॉल्यूम का एक सिलेंडर काटा गया है। स्फीयर की जो रेडियस है कैपिटल आर है। तो ये मैंने सपोज इस तरीके से सिलेंडर काट दिया, ये मैक्सिमम वॉल्यूम का आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है। अच्छा, अब आपको निकालना है सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा। मैंने ये माना कि सिलेंडर की जो बेस रेडियस है वो स्मॉल आर है, और ये जो सिलेंडर की हाइट है ये वो स्मॉल एच है। क्लियर है? कोई डाउट? एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, यहां से आपको निकालना है सिलेंडर की मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन तो लगानी पड़ेगा, आप ध्यान से समझते हैं। सपोज अगर मैं स्फीयर का क्रॉस सेक्शन देखूं तो दैट विल लुक लाइक ए सर्कल, अगर मैं सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन देखूं तो दैट विल लुक लाइक ए रेक्टेंगल। सो अल्टीमेटली मुझे ऐसा दिखाई देगा कि सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की ये जो लेंथ है ये है 2R, एंड ये जो डायमेंशन है ये कितना है h। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके इस रेक्टेंगल का डायगोनल। सो यहां से यदि मैं इसको डायरेक्ट मिला दूं, सो ये हो जाएगा आपके इस रेक्टेंगल का डायगोनल। इसको कभी कभी सिलेंडर का डायगोनल भी कह देते हैं, इसको कभी कभी सिलेंडर का डायगोनल भी कह देते हैं। सो ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा आपका 2R, कंप्लीट हो जाएगा 2R। ये स्मॉल एच है, यहां से यहां तक ये स्मॉल एच है। सो ये तुम्हारा डायगोनल कितना हो जाएगा, 4R² + h² पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। बट ये सर्कल का डायमीटर भी होगा, रेक्टेंगल का डायगोनल सर्कल का डायमीटर भी होगा, यानी कि 2R भी होगा। ये क्या, कितना होगा 2R भी होगा। सो दिस इज 2R, ट्वाइस ऑफ कैपिटल R। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की किसी को? सो बहुत आसान है, ठीक है ना। ओके, क्रॉस सेक्शन देखिए, स्फीयर सर्कल है, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायगोनल आपके सर्कल का डायमीटर भी होगा जो कि 2R के बराबर होगा। सो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग 4R² बराबर आ जाएगा 4 × r² + h². क्लियर भाई? कोई समस्या यहां से? चलिए ना, आप समझ रहे हैं आप, यहां पे πr² h, ठीक है। सो यहां से मैं h इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, r² की 4r² - h² / 4 = r², ये आगे इक्वेशन नंबर 1, ये आगे आपकी क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं सिलेंडर का वॉल्यूम लिखना चाहूं तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, πr² h। मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं h को r के टर्म में लिखूं या r को h के टर्म में लिखूं। मेरे पास सुविधा यही रहेगी कि यदि मैं सीधा सीधा r² को क्या लिख दूं, h के टर्म में लिख दूं, सीधा सीधा r² को h के टर्म में लिख दूं। तो यहां पे लिख सकते हैं v बराबर पाई स्मॉल r² की जगह रख देंगे 4r² - h² / 4, और ये कितना हो जाएगा आपका h, ये कितना हो जाएगा आपका h। तो ये आ जाएगा आपके सिलेंडर का वॉल्यूम। समझ में आ रहा है ना भाई? आसान चीज आपको करनी, आंसर कैसे भी आ जाएगा, या तो r को h की टर्म में लिख लो या h को r की टर्म में लिख लो। सीधा है कि मैंने r² को ही h की टर्म में लिख लिया, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी। सो v बराबर कितना आ गया, πr² h - h³, ये आ गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है किस पर डिपेंड कर रहा है, पाई चार जो कि कांस्टेंट है, कैपिटल आर स्क्वायर की रेडियस है कांस्टेंट है, यानी कि हाइट पे, इस सिलेंडर की हाइट पे ही आपका वॉल्यूम डिपेंड करने लगा। यानी कि मैंने वॉल्यूम को फंक्शन बना दिया सिलेंडर की हाइट h का, सिलेंडर की हाइट h का। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सिलेंडर की हाइट h का मैंने फंक्शन बना दिया इसको। यहां तक सभी को बात समझ में आ रही है? चलिए, तो मैं आगे वाले पेज पे लिख रहा हूं कि क्या आया, v बराबर आया है भाई आपका पाई बटे चार 4
कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, मुझे चाहिए वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं एच के रेस्पेक्ट में, तो डीवी बटे डी एच किसके बराबर होगा, पाई बटे चार। सो ये यहां से फोर आर स्क्वायर, एच का डिफरेंशिएशन वन, और एच क्यूब का कितना हो जाएगा थ्री एच स्क्वायर, कितना हो जाएगा थ्री एच स्क्वायर। सो यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बटे चार फोर आर स्क्वायर माइनस थ्री एच स्क्वायर, और ये आगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको क्या रखना है जीरो के इक्वल, जीरो के इक्वल रखोगे तो यहां से क्या मिलेगा आपको फोर आर स्क्वायर बराबर थ्री एच स्क्वायर, फोर आर स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा थ्री एच स्क्वायर के, यहां पे एच स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका फोर आर स्क्वायर बाई थ्री, यानी कि एच कितना आ जाएगा टू आर बाई रूट थ्री, एच आ जाएगा टू आर बाई रूट थ्री, एच बराबर टू आर बाई रूट थ्री, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, स्मॉल एच बराबर टू आर बाई रूट थ्री। अच्छा यहां पे स्मॉल आर स्क्वायर कितना फोर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटे चार, ये तो यहां पे अगर ध्यान देखोगे तो स्मॉल आर स्क्वायर कितना था, ये था फोर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटे चार, सही बात है। सो यहां पे स्मॉल आर स्क्वायर बराबर चार से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटे चार, जो कि कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई थ्री, सो स्मॉल आर स्क्वायर कितना जाएगा टू आर स्क्वायर बाई थ्री, तो स्मॉल आर यहां से भी कितना जाएगा टू आर बाई रूट थ्री, स्मॉल आर कितना जाएगा टू आर बाई अंडर रूट थ्री, क्लियर टू आर बाई अंडर रूट थ्री। सो मुझे स्मॉल आर की और एच की वैल्यू पता है कि स्मॉल आर स्मॉल एच की किस वैल्यू के लिए आपका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा सिलेंडर का, सो मैं सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल सकता हूं पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर कितना है टू आर बाई रूट थ्री, इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर आर स्क्वायर बाई थ्री, स्मॉल एच कितना है ये है आपका टू आर बाई रूट थ्री, स्मॉल एच कितना है टू आर बाई रूट थ्री, क्लियर है टू आर बाई रूट थ्री। एक सेकंड इसमें कुछ गड़बड़ है, यहां पे स्मॉल आर बराबर अंडर रूट टू आर बाई अंडर रूट टू आर बाई रूट थ्री आएगा, स्मॉल आर अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट टू बाई रूट थ्री आएगा, तो यहां से ये हो जाएगा आपका टू, यहां पे टू आएगा ना, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं स्मॉल आर की वैल्यू अंडर रूट टू आर बाई अंडर रूट थ्री स्क्वायर करेंगे, सो पाई टू आर स्क्वायर बाई थ्री इंटू टू आर बाई रूट थ्री, सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन साइड इन स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर पाई बाई थ्री रूट थ्री, फोर पाई बाई रूट थ्री इंटू थ्री इंटू आर क्यूब, ये हो जाएगा 4 पाई बाई रूट थ्री इंटू थ्री आर क्यूब, क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की, 4 पाई बाई थ्री रूट थ्री आर क्यूब। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंस्क्राइब इन स्फीयर वो कितना होता है 1 बाई रूट थ्री टाइम्स होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, रिजल्ट है पूछा जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 1 बाई रूट थ्री टाइम्स होता है आपके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 1 बाई रूट थ्री टाइम्स होता है आपके सिलेंडर का वॉल्यूम, ओके 4 पाई बटे 3 आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा यही तो आपके इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 बटे 3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा आपके स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर के वॉल्यूम का 1 बाई रूट 3 टाइम्स क्या होता है आपके सिलेंडर का वॉल्यूम होता है जो उसके अंदर इंस्क्राइब किया जा सकता है। सो ये रिजल्ट थे जो आपको पता होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ये डिफरेंशिएशन कैलकुलस आपके कोर्स में है या आपके सिलेबस में नहीं है, पर इससे क्या होता है कि कुछ चीजें आपकी आसान हो जाती है, जैसे एलजेब्रा में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का निकालने का सवाल आता है, अगर आप इसको डिफरेंशिएशन से करोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी रादर देन इक्वेशन बनाने के, फोर स्क्वायर बनाने के, ठीक है। तो आप इस चीज को नहीं भी करना चाहते तो कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधा आप डायरेक्ट फॉर्मुला याद कर लीजिए कि स्फीयर के वॉल्यूम का यदि मैं 1 बाई रूट 3 कर दूंगा तो मेरा क्या सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा जो कि मैक्सिमम होगा, क्लियर है, कोई डाउट। सो ये सब बातें हैं आपके सिलेंडर से रिलेटेड, ठीक है, चलिए।